हाय, दिस इज जेकी जाकिर हुसैन। मेरा नाम जेकी जाकिर हुसैन है। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, सिलचन नॉर्थ ईस्ट असम से बिलोंग करता हूँ। एक बिजनेसमैन हूँ, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन हूँ। बहुत ही फन लविंग हूँ, ट्रेवलिंग करना मुझे बहुत पसंद है। प्रैक्टिकल टाइप बंदा हूँ, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ। गुस्सा आने से बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता हूँ। पता नहीं लड़कियों के साथ कुछ ज्यादा ही मेरे पंगे हो जाते हैं। लाइफ में बहुत से गर्लफ्रेंड भी रह चुके हैं, दो बार शादी कर चुका हूँ, दो बार जेल भी जा चुका हूँ। पापा पुलिस में है, डीएसपी है। बहुत ही फूडी टाइप पर्सन हूँ, नॉनवेज फूड मुझे बहुत ही पसंद है। सुबह चाय के साथ चिकन भी खाता हूँ। अपने आप को किसी भी सिचुएशन पे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। एक फाइटर हूँ, जिंदगी में फाइट करके इतना तक आया हूँ। जमीन पे रहता हूँ, लेकिन आसमान को छूने की हिम्मत रखता हूँ। शेर का सामना कर सकता हूँ, लेकिन अंधेरे से भी डरता हूँ। सुर्खियों में रहना बहुत पसंद है मुझे। हमेशा से बहुत सारे कंट्रोवर्सीज मैंने किए हैं, आगे जाके और भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज करता रहूंगा। सोसाइटी, दुनिया, समाज, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोचता। बिकॉज इट्स माय लाइफ, माय विश, जो चाहूंगा मैं वो करूंगा। अगर मेरे कांड और कंट्रोवर्सीज को लेके मैं सोसाइटी में एक विलेन का रोल प्ले कर रहा हूँ, एक निगेटिव रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे उस विलेन का रोल से कोई शर्म नहीं है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आई एम प्राउड टू बी अ विलेन। कंट्रोवर्सीज तो मेरी जिंदगी के हर एक कदम पे है। गूगल से लेके यूट्यूब तक, नेशनल मीडिया से लेके बीबीसी लंदन तक, हर एक मेरे कंट्रोवर्सी के गवाह है। इन मार्च 2012 मैंने असम की एक विधायिका से भाग के कोर्ट में शादी कर ली थी, जो पहले से ही शादीशुदा थी, जिनकी एक बच्ची थी और वो एक अलग सी रिलीजियन से भी बिलोंग करती थी। इस शादी को लेके मुझे जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। बहुत से जात पात के दंगे होने लगे थे हमारे स्टेट पे। उस दौरान उस दंगे में एक दो लोगों की मौत भी हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली मेरी सिस्टर इन लॉ ने सुसाइड भी कर ली थी। इस इंटरकास्ट मैरिज को लेकर लोगों में इतना गुस्सा आ गया था कि 250 लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी कर दिया था। हर एक कदम पे, हर एक जगह खतरा ही खतरा हो गया था। बट आई डिडंट स्टॉप, मैं बिल्कुल नहीं रुका। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये रिश्ता कंटिन्यू भी नहीं कर पाया। कुछ ही महीने गए नहीं, हमारे बीच पर्सनल प्रॉब्लम शुरू होने लगे और उसने मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी फाइल कर दिया था, जिससे मुझे 15 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। जेल से निकलते ही हमारा डिवोर्स हो गया एंड वी गॉट डिस्कनेक्टेड। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इन 2015 उसने अपना एमएलए होने का फायदा उठा के, अपना पॉलिटिकल पावर को मिसयूज करके, मुझे इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कार लिफ्टर के साथ मुझे फंसा दिया और फिर मुझे दोबारा से जेल जाना पड़ा। जेल जाने से मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने भी उसको फंसा के दम लिया। उसको भी इसी केस पे 60 डेज के लिए जेल जाना पड़ा। अब ये प्यार का रिश्ता टोटली दुश्मनी में बदल गई है। बिग बॉस दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। बिग बॉस ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां आप दुनिया के सामने अपनी असली चेहरा दिखा सकते हो। अगर मुझे बिग बॉस के घर में आने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर इस मौके पे चौका और छक्का लगाऊंगा, दिखाऊंगा सबको रियल लाइफ के विलन कैसे होते हैं। अभी भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट को एक जंगल समझते हैं। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट एक जंगल है तो मैं इस जंगल का शेर हूँ। बिग बॉस जैसे दुनिया का सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में आने का हिम्मत भी रखता हूँ और जीतने का भी हिम्मत रखता हूँ।